हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ब्रिलियंट माइंड्स बाय नीरो। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस सैम्पल पेपर इशूड बाय सीबीएसई फॉर टर्म 2 फॉर क्लास 10th एंड द सब्जेक्ट ए कोड इज 402 मींस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट विद इट। एंड यू नो वेरी वेल दैट योर पेपर, आपका जो पेपर है दैट इज ऑफ 25 मार्क्स एंड टाइम इज 60 मिनट्स। ओके, so let's start the paper. First of all, I'm going to read the instructions for you. Time I've already told you, 1 hour 60 minutes and marks are 25. Now read the instructions carefully students. If you go through the instructions here only, then during the examination you do not have to spend much time on reading and understanding the instructions. So better understand and listen to me carefully the instructions to you. This question paper is divided into 3 sections: Section A, B and C. Section A is of 5 marks and has 6 questions on employability skills. Students, जो तीन sections हैं आपके, A section का जो आपका है वो 5 marks का है and उसमें 6 questions हैं। बहुत अच्छी choice given है आपको। Question number 1 to 4 are 1 mark question. Attempt any 3. तो एक question यहाँ पर extra आपको given है, ये 1-1 mark के questions है. Out of 4, you have to attempt only 3. एंड बी पार्ट इसी के सेक्शन ए में आपका 5 एंड 6 आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 2 मार्क्स क्वेश्चंस हैं, उसमें से आपको एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो 3 नंबर आपके यहाँ हो जाएंगे और 2 नंबर यहाँ पर एक क्वेश्चन के यहाँ पर, मीन्स आपके 5 मार्क्स आपके यहाँ पर हो जाएंगे सेक्शन ए के। नाउ कम टू सेक्शन बी, इट्स ऑफ 12 मार्क्स एंड हैज 12 क्वेश्चंस ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 7 टू 12 आर 1 मार्क क्वेश्चन। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पर बहुत अच्छी चॉइस है आपको। देन 13 टू 18 2 मार्क क्वेश्चन है जिसमें आपको 4 क्वेश्चंस अगेन आपको करने हैं। ठीक है, 1 आपके इसके अंदर 1 मार्क क्वेश्चन भी है एंड 2 मार्क्स क्वेश्चन भी है और 4 आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। नाउ सेक्शन सी इज सेक्शन सी इज ऑफ 8 मार्क्स एंड हैज 3 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। सेक्शन सी के अंदर आपके 19 टू 21 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन हैं और 4 मार्क का क्वेश्चन है, आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसमें अगेन आपके पास एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, आपको उसकी चॉइस गिवन है। डू एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द रिस्पेक्टिव सेक्शन, मार्क्स अलॉटेड आर मेंशन अगेंस्ट ईच सेक्शन ऑफ क्वेश्चन। आपके सामने हर क्वेश्चन के मार्क्स आपको सामने दिखेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ सेक्शन ए के साथ में। आपको भी बताया था 1-1 मार्क के 3 आपके क्वेश्चंस प्लस 2 मार्क का एक क्वेश्चन है, 5 मार्क्स इन टोटल। ये आपकी 10th क्लास की आपकी बुक होगी सीबीएसई की तरफ से। फर्स्ट क्वेश्चन, गिव एनी वन क्वालिटी ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। आंसर इज दे आर कॉन्फिडेंट। तो आपका 1 मार्क का आपका आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, नेम द टर्म यूज फॉर अ फॉल्स बिलीव और ओपिनियन अबाउट समथिंग। आंसर इज मिथ। मिथ क्या होता है, आप सोचते हैं हमने ऐसा सुना है, ऐसा हो जाएगा या ऐसा हो जाता है, दैट इज फॉल्स बिलीफ, इट इज नॉट ट्रू। एक ओपिनियन है ये, इट इज कॉल्ड मिथ। थर्ड क्वेश्चन, गिव एनी वन प्रैक्टिस और सस्टेनेबल प्रोसेस दैट इज बीइंग यूज्ड टू हेल्प प्रिजर्व द एनवायरमेंट। कौन सा एक आपको प्रोसेस बताना है सस्टेनेबल, या एक प्रैक्टिस बतानी है आपको जिससे हम प्रिजर्व कर सकते हैं अपने एनवायरमेंट को। इसका आंसर क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग और वर्मी कंपोस्टिंग एटसेट्रा। ओके, नंबर 4, ये भी अगेन 1 मार्क क्वेश्चन आपका, गिव एन एग्जांपल ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सोलर पावर इन इंडिया। आंसर है चरमका, दैट इज गुजरात सोलर पार्क, 1 मार्क अगेन। अब क्वेश्चन 5 एंड 6 आपके जो है, इसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन एनी 2 फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। फर्स्ट, मेकिंग डिसीजंस, सेकंड, मैनेजिंग द बिजनेस। नेचुरली अगर आपको बिजनेस मैन एंटरप्रेन्योर है तो आपको डिसीजन लेने होते हैं, बिजनेस को मैनेज करना होता है। इट इज 2 मार्क क्वेश्चन, 2 पॉइंट्स आप ले देंगे, यू विल गेट फुल मार्क्स। नंबर 6, या आप ये अटेम्प्ट कर सकते हैं, रिड्यूस इनइक्वालिटीज इज वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेटेड बाय द UN। गिव एनी 2 वेज टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज। ये इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने के लिए कौन से 2 तरीके हैं। नंबर 1, बी हेल्पफुल टू वन अनदर। सेकेंड, बी फ्रेंडली विद एवरीवन। ऑलमोस्ट मिलते जुलते ही है ये दोनों आंसर्स। ओके, सेम से पॉइंट है, ये 2 मार्क्स के आपका है। नाउ सेक्शन बी, इसे 4+8 आपके 12 मार्क्स का आपका टोटल है आपका सेक्शन बी, जिसमें आपके 1 मार्क के क्वेश्चन है, 4 मार्क्स आपके ये हो जाएंगे और 4 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के हैं, और इसमें भी अच्छी आपको चॉइस गिवन है। नंबर 7,
Name the device that converts digital signal to analog that can travel over phone lines. That is modem. आप सबको मालूम है modem? ये modulator और demodulator का काम करता है, digital to analog and analog to digital, vice versa. Number 8, dash key is an accessibility function which is designed for people who have vision impairment or cognitive disabilities. जो completely ठीक नहीं है, देखने में problem है, उनके लिए कौन सी ये key है? That is toggle key. ठीक है, एक बार प्रेस करने से ऑन और एक बार प्रेस करने से ऑफ. नंबर 9, नेटवर्क्स इन विच सर्टेन कंप्यूटर्स हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क्स प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क आर कॉल्ड डैश नेटवर्क्स. नेटवर्क के स्टूडेंट बहुत सारे टाइप्स हैं. अब ये जिसके अंदर कुछ कंप्यूटर्स का स्पेशल डेडिकेटेड टास्क होता है और दूसरों को वो सर्विसेज देता है दूसरे कंप्यूटर्स को, इस नेटवर्क को क्या बोलते हैं? क्लाइंट सर्वर. नंबर 10, मेंशन एनी टू इंटीजर डेटा टाइप्स ऑफ अ टेबल फील्ड इन डेटाबेस. ये डेटाबेस से रिलेटेड है आपका क्वेश्चन, जिसमें आपको कोई भी इंटीजर डेटा टाइप्स के नाम बताने हैं. तो इसमें हाफ मार्क ईच है आपका. इसमें मैंने आपके सामने 5 एग्जांपल दिए हैं, इसमें से आप कोई भी दो लिख सकते हैं, टाइनी इंट, स्मॉल इंट, इंटीजर, न्यूमेरिक और बिग इंट. स्टूडेंट्स, ये सारे आंसर्स भी CBSE की तरफ से सैम्पल पेपर के साथ में प्रोवाइड किए गए हैं. नंबर 11, name the relationship in which one column of the primary key table is associated with all the columns of the associated table and vice versa. इसमें आंसर क्या आपका? आपको मालूम है तीन तरह के रिलेशनशिप होते हैं, वन टू वन, वन टू मैनी या मैनी टू वन, जो इसका आंसर है, या मैनी टू मैनी. तो इसके अंदर नेम द रिलेशनशिप आपको कौन सा पूछा है, जिसमें वन कॉलम ऑफ प्राइमरी की, वन कॉलम यानी वन टू, इसमें ऑल द कॉलम्स यानी मैनी, वन टू मैनी रिलेशनशिप है या मैनी टू वन, अगेन वन मार्क क्वेश्चन. नंबर 12, डिफाइन रिपोर्ट्स ऑफ अ डेटाबेस. आपको मालूम है डेटाबेस में बेस के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, एंड रिपोर्ट्स इज आल्सो वन ऑफ दैट. अ रिपोर्ट हेल्प्स टू डिस्प्ले द डेटा इन अ समराइज्ड मैनर. एक रिपोर्ट के अंदर आपकी पूरी समरी होती है. इट इज यूज्ड टू जनरेट द ओवरऑल वर्क आउटकम इन अ क्लियर फॉर्मेट. यू कैन क्रिएट रिपोर्ट्स इन द डेटाबेस. वन मार्क क्वेश्चन. Now answer any 4 questions out of the given 6 questions. यहाँ पर 2 questions की choice है और 2 marks आपको question आपको attempt करने हैं, 4 questions. List any 4 advantages associated with networking. 4 advantages आपके सामने, कोई भी आप लिख सकते हैं. यहाँ पर 5 है आपके सामने. Data sharing, file transfer, hardware sharing, internet access sharing या usage of network based application. Now differentiate between wired and wireless access. Give one example for each type. आपको differentiate करना, दोनों का एक एक example भी देना है, wired का और wireless का. A wired setup uses physical cables to transfer data between different devices and computer system. जैसे आपकी lab में भी होगा, connectivity हो रही है, वहाँ पर wired है, wired के through वहाँ पर connectivity है. Wireless network does not use wires for data or voice. For example, wired के example क्या है? Dial-up, DSL और cable internet access. वायरलेस में 3G या WiMAX या Wi-Fi. क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ISP? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, मालूम है आपको, विद रिस्पेक्ट टू वेब एप्लीकेशंस. नेम एनी टू कनेक्शन टाइप दैट होम यूजर्स यूज. एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स यू विद एक्सेस टू द इंटरनेट वाया अ डायलर यूजिंग मॉडेम और डायरेक्ट मीन्स हार्ड वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन. ये आपको सर्विस देता है इंटरनेट को एक्सेस करने के. देन इसके कनेक्शन के टाइप्स कौन कौन से हैं? DSL, केबल मॉडेम, डायल अप, ब्रॉडबैंड वायरलेस, वायरमैक्स एटसेट्रा. ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, आपको इसमें भी आपको चॉइस मिली हुई है. हाउ एंट्री रिक्वायर्ड एंड डिफॉल्ट वैल्यू प्रॉपर्टीज ऑफ अ टेबल फील्ड इन अ डेटाबेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ये प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल, एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है और एक एंट्री रिक्वायर्ड. तो इन दोनों के अंदर आपको डिफरेंस बताना है. एंट्री रिक्वायर्ड क्या है? इफ सेट टू यस देन इट विल बी नेसेसरी फॉर द यूजर टू इंसर्ट द वैल्यू इन द फील्ड व्हिच मींस द फील्ड कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक. रिक्वायर्ड यानी वो आपको देना जरूरी है. फॉर एग्जांपल, आप उसमें रोल नंबर एंटर करना आपको, या कोई भी मार्क्स एंटर करना चाह रहे हैं, या कोई भी नेसेसरी फील्ड है, तो उसके अंदर एंट्री रिक्वायर्ड आप यस सेट कर देंगे. डिफॉल्ट में क्या होता है? अ डिफॉल्ट वैल्यू कैन बी सेट फॉर अ फील्ड इफ यूजर डोंट प्रोवाइड एनी वैल्यू वाइल एंटरिंग द वैल्यूज इन अ टेबल. अगर आप बार बार सेम वैल्यू अप्रॉक्स, सपोज एक एज की बात करते हैं आपकी क्लास में, सपोज आपकी क्लास में 15 ईयर्स एज है जनरली स्टूडेंट्स की, तो डिफॉल्ट वैल्यू उसकी मैं 15 सेट कर सकती हूँ, ताकि बार बार रिपीटेडली मुझे सेम नंबर टाइप नहीं करना पड़े, और जहां मुझे जरूरत है उसको चेंज करने की आई कैन चेंज देयर. सो दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट वैल्यू.
क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, एक्सप्लेन इट्स टू और एनी पर्पसेस. अगेन 2 मार्क क्वेश्चन. Differential integrity is used to maintain accuracy and consistency of data in a relationship. In Bayes, data can be linked between two or more tables with the help of primary key and foreign key constraints. आपको मालूम है primary key एक table में हो और दूसरे की primary key. जब उसको हम यहाँ पर use करते हैं तो वो इसके हमारे लिए foreign key बन जाती है. तो इनका use करके हम table को हम link कर सकते हैं. और differential integrity से किस क्या होता है, इसमें consistency, accuracy को maintain करते हैं. It helps to avoid records can be added to a related table if there is no associated record available in the primary key table. Second, values can be modified in a primary if any dependent records are present in the associated table. Because dono tables connected hain, to aapko dhyan rakhna hai, aapko new record enter karne hain ya modify karna hai, ya third point is deleting. Deleting records from a primary key table if there are any matching related records available in associated table. बिकॉज दोनों टेबल्स आपके कनेक्टेड हैं तो आपको तीनों काम के लिए आपको अवॉइड करने के लिए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की जरूरत पड़ती है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, अगेन इट इज ऑफ 2 मार्क्स क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द कॉलम्स एंड डेटा टाइप्स ऑफ अ टेबल. एयरलाइंस, मेंशन एट लीस्ट 4 कॉलम्स विद डेटा टाइप्स. एयरलाइंस नाम का एक टेबल है तो आपको उसके अंदर कॉलम्स और उनके डेटा टाइप मेंशन करने हैं, एटलीस्ट 4 कॉलम्स. ये आपको अपनी मर्जी से स्पेसिफाई करना है स्टूडेंट्स, कौन सा कॉलम लेना चाहते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर लिए हैं फ्लाइट नंबर, ये मैंने टेक्स्ट में लिया है बिकॉज आपका न्यूमेरिक तो जरूरी नहीं है, उसके अंदर A101 भी हो सकता है, A50, AB समथिंग, तो अल्फाबेट्स भी आते हैं आपके. नंबर ऑफ पैसेंजर्स इंटीजर. एयरलाइंस अगेन टेक्स्ट आ गया आपका करेक्टर सेंस में. अराइवल टाइम, डेट और टाइम इसके अंदर आपका डेटा टाइप आ जाएगा. डिपार्चर टाइम, अगेन डेटा टाइप आप लेंगे, डेट टाइम. देन फेयर्स आपका फ्लोट में आ जाएगा बिकॉज रुपीज के साथ में पैसे भी होते हैं आपके, डेसिमल पॉइंट भी होता है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18 इज क्लियर स्टूडेंट्स. नाउ आपका आता है सेक्शन सी और इट कंटेन्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन. 2 × 4 यानी कि आपके 2 क्वेश्चन हैं 4 मार्क ईच और इसके अंदर आपको चॉइस गिवन है. आपको 19, 20, 21 3 questions are given to you. पहले 19 क्वेश्चन हम देखते हैं. आंसर एनी 2 questions आउट ऑफ द गिवन 3 questions. ये देखिए 4 मार्क का क्वेश्चन आपका. राहुल एंड अमित आर वर्किंग ऑन अ स्कूल प्रोजेक्ट असाइन टू देम बाय द टीचर. दे हैव टू सेंड इंस्टेंट मैसेजेस टू ईच अदर एंड ऑल्सो डू कॉन्फ्रेंसिंग. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उनको करनी है आफ्टर स्कूल आवर्स इन ऑर्डर टू कम्प्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम. तो इसके अंदर यानी 2 काम है आपके सामने. तो इसमें स्टूडेंट्स आपको 2 टास्क हैं आपके, सेंड इंस्टेंट मैसेजेस और दूसरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. सो सजेस्ट एनी 4 गुड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर दैट दे कैन यूज. सेकेंड, अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर्स लिस्ट 4 हार्डवेयर्स दैट राहुल एंड अमित नीड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. कंप्यूटर्स तो है ही है लेकिन उसके अलावा आपको कौन सा और हार्डवेयर डिवाइस चाहिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए. तो सबसे पहले आपको इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए. इसके अंदर आपको कोई भी 4 मैसेजेस आपको मैसेजिंग सॉफ्टवेयर के नाम बताने हैं, जैसे गूगल टॉक, याहू मैसेंजर, स्काइप, विंडोज लाइव, एमएस टीम्स, जूम एंड एटसेट्रा. एंड बी पार्ट का आपका आंसर है जिसमें आपको 4 हार्डवेयर पूछे हैं, हेडफोन, स्पीकर, माइक्रोफोन एंड वेब कैमरा. ओके क्लियर स्टूडेंट्स, इसमें दोनों पार्ट्स आपके सामने हैं, 2 मार्क्स ईच. नंबर 20, इसके बाद 1 क्वेश्चन और 21 रह जाएगा. Rahul has purchased some stationery items from an online site. He has to make online payment for the items to complete the transaction. आजकल मालूम है आप लोग सभी लोग online purchasing करते हैं, online shopping बहुत students, उनके parents, friends करते हैं. Help by answering the following questions. Suggest any 2 options that he can use to make payment of his bills on the online shopping website. आपको कोई 2 option बताने हैं जिससे आप payment कर सकते हैं online. Credit, डेबिट कार्ड या तो क्रेडिट कार्ड या बाय इंटरनेट बैंकिंग एटसेट्रा. इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आप लोग लिखते हैं पेटीएम वगैरह तो वो भी चल जाएगा, आपके आंसर्स वो भी आ जाएंगे आपको. नेम एनी 2 situations वेयर ऑनलाइन शॉपिंग कुड बी यूजफुल. इसके अंदर आपको बोला है कि आपको बतानी है सिचुएशंस कब आपकी ऑनलाइन शॉपिंग यूजफुल है. जैसे कोरोना के टाइम में हम लोग मार्केट में नहीं जा रहे थे तो हम लोग घर बैठे ही ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे, लेकिन जनरल वो स्पेसिफिक कंडीशन थी. लेकिन जनरली क्या है, कस्टमर डज नॉट हैव सफिशिएंट टाइम टू विजिट स्टोर्स. आपका टाइम नहीं, आपके वर्किंग इतने मॉर्निंग टू इवनिंग है, आप 8 o'clock 9 o'clock फ्री होते हैं, देन बाय दैट टाइम द शॉप्स आर क्लोज्ड. सेकेंड, विजिटिंग अ स्टोर इज मोर एक्सपेंसिव देन परचेजिंग अ प्रोडक्ट ऑनलाइन. स्टोर पर आप जाते हैं, टाइम के अलावा आपका फ्यूल भी लगेगा, आपका एक्सपेंसेस भी होंगे जो आप स्पेंड करेंगे कन्वेंस के ऊपर.
अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज नॉट अवेलेबल इन द लोकल मार्केट इज अवेलेबल ऑनलाइन एटसेट्रा। कई बार आपको जो चीज चाहिए आपको इतनी चॉइस भी नहीं मिलती है, शॉप में जाकर वो चीज अवेलेबल नहीं है, जो ऑनलाइन आपको वहां पर आराम से मिल जाती है विद इमेजेस और पूरी स्पेसिफिकेशन, हाइट, वेट, एवरीथिंग, सब कुछ उसका मटेरियल क्या है, एवरीथिंग इज देयर। नंबर थ्री, नेम एनी टू पॉपुलर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वेबसाइट्स। वेबसाइट्स के नाम क्या है, बहुत फेमस है, सभी को मालूम है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन एंड मिंत्रा एटसेट्रा। राइट फुल फॉर्म ऑफ सीओडी इन रेफरेंस टू ऑनलाइन शॉपिंग। सीओडी आपने पढ़ा ही होगा, जरूर पढ़ते हैं आप लोग जब शॉपिंग करते हैं। सीओडी की फुल फॉर्म है कैश ऑन डिलीवरी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने। टीचर्स एक टेबल इज गिवन टू यू। ये आपके सामने कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, आपके सामने रिकॉर्ड्स हैं। राइट्स एसक्यूएल कमांड्स फॉर नंबर 1, 4 मार्क है तो आपके 1 मार्क ईच फॉर ए बी सी डी। टू शो ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट आईटी टीचर्स, यहाँ पर आईटी टीचर्स हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट, डेट ऑफ जॉइनिंग, सैलरी, जेंडर, सब कुछ है यहाँ पर। देन टू लिस्ट द डिटेल्स ऑफ ऑल द टीचर्स हु आर गेटिंग सैलरी बिटवीन 20,000 टू 35,000। इसमें सैलरी आपको चेक करनी है 20,000 to 35,000 के बीच में, इसके लिए क्वेरी आपको फॉर्म करनी है। सी पार्ट टू डिस्प्ले द सब्जेक्ट ऑफ ऑल द टीचर्स हुज एज इज मोर देन 40 ईयर्स। यहाँ पे एज आपको गिवन है ग्रेटर देन 40 पे आपको क्वेरी फॉर्म करनी है। डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ ऑल द टीचर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, यानी ए टू जेड अल्फाबेटिकल ऑर्डर यही होता है ना आपका स्टूडेंट्स। सो आपके सामने इनके आंसर मैं दिखा रही हूँ। टू शो ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट आई टी टीचर्स, सो स्टार आपके ऑल के लिए आ गया। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स, फ्रॉम के बाद टेबल नेम, वेयर सब्जेक्ट इज इक्वल टू कंप्यूटर, क्योंकि आई टी के टीचर्स हैं, इसमें आई टी आपका सब्जेक्ट आपका जो कंप्यूटर है आपका। बी पार्ट टू लिस्ट द डिटेल्स ऑफ ऑल द टीचर्स हु आर गेटिंग सैलरी बिटवीन 20,000 to 35,000। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स वेयर सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 एंड सैलरी लेस देन इक्वल टू 35,000। इज इट क्लियर? तो इसमें आपने एंड यूज किया है, ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 और 35,000 को दोनों को आपने इंक्लूड किया है इज इक्वल टू लगाकर। ओके, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं आपके। नाउ सी पार्ट डिस्प्ले द सब्जेक्ट ऑफ ऑल द टीचर्स हुज एज इज मोर देन 40 ईयर्स। सिलेक्ट सब्जेक्ट, डिस्प्ले द सब्जेक्ट मीन्स सिलेक्ट के बाद हमें उस फील्ड का नाम देना है। सिलेक्ट सब्जेक्ट फ्रॉम टीचर्स वेयर एज इज ग्रेटर देन 40 देन सेमीकॉलन। लास्ट पार्ट टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ ऑल द टीचर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको कौन सा क्लॉज यूज करना है, ऑर्डर बाय, एंड बाय डिफॉल्ट इट इज ऑलवेज असेंडिंग। अगर आपको डिसेंडिंग में चाहिए बड़े से छोटा मीन जेड टू ए, या नंबर्स में उल्टा चाहिए आपको बड़े से छोटा, तो आप क्या लेते हैं, डी ई एस सी, ठीक है। डिसेंडिंग के लिए डी ई एस सी भी आप फोर अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं, बट हेयर अल्फाबेटिक है तो आपको लेना है ऑर्डर बाय नेम, और बाद में ए एस सी बाय डिफॉल्ट होता है तो आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, स्टिल इफ वांट टू मेंशन आप कर सकते हैं, उसमें मार्क्स आपके डिडक्ट नहीं होंगे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स ऑर्डर बाय नेम, ऑर्डर बाय के बाद हमेशा कॉलम का नेम आता है, दैट इज अ नेम। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 में बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है ये विजुअली इम्पेयर स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें लेकिन आपको इसलिए कराना चाहती हूँ कि ये भी आपके क्योंकि सिलेबस से रिलेटेड है, आपके लिए किसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है फिलस में या शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि तो सैम्पल पेपर था। तो आपको डेफिनेशन उन्होंने कही है विजुअली इम्पेयर स्टूडेंट्स के लिए, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा इनकंसिस्टेंसी, कॉम्पोजिट प्राइमरी की एंड रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो 1 मार्क ईच ये डेफिनेशन का है, तो आपको अटेम्प्ट नहीं करना स्टूडेंट्स, वो बिल्कुल हम लोग हेल्दी हैं, फिट हैं, तो हमारे लिए नहीं है क्वेश्चन, लेकिन स्टिल मैं डिस्कस करना चाहती हूँ आपके साथ। डेटा इंटीग्रिटी, डेटा इंटीग्रिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एज देर आर मल्टीपल डेटाबेसिस इन अ DBMS। इट मीन्स डेटा इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट इन द डेटाबेस। डेटाबेस में आपका जो डेटाबेस है बहुत सारे टेबल्स हैं, सब आपस में रिलेटेड हैं, उसमें सारा डेटा जो है कंसिस्टेंट है, एक्यूरेट है, दैट इज कॉल्ड डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इनकंसिस्टेंसी, डेटा इनकंसिस्टेंसी इज व्हेन द सेम डेटा एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स इन मल्टीपल टेबल्स विच कैन प्रोवाइड अ अनरिलायबल और मीनिंगलेस इंफॉर्मेशन। आपने अगर अपने क्लास टीचर को सपोज आपने अपना न्यू फोन नंबर दे दिया, मोबाइल नंबर चेंज हो गया आपका, एंड सब्जेक्ट टीचर को आपने चेंज नहीं करवाया, जब आपस में दोनों टेबल्स को रिलेट किया जाएगा तो उस समय डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज द क्लास टीचर हैज डिफरेंट मोबाइल नंबर एंड यू एंड द सब्जेक्ट टीचर हैज द डिफरेंट मोबाइल नंबर। तो इस तरह से डेटा इनकंसिस्टेंसी का मैंने आपको एग्जांपल दिया है। नाउ कॉम्पोजिट प्राइमरी की, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कॉम्पोजिट की, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कॉलम्स टू फॉर्म अ प्राइमरी की फॉर अ टेबल।
सपोज रोल नंबर नहीं है, कोई आईडी नहीं है, मुझे नेम को ही प्राइमरी की बनाना है, तो उस समय कॉम्पोजिट लेना चाहूंगी, बिकॉज फर्स्ट नेम बहुत सारे बच्चों का सेम हो सकता है, उसके साथ मैं 2 या 3 कॉलम्स ले सकती हूँ, जैसे उनका सेकेंड नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम भी ले सकती हूँ, ठीक है। नाउ रिलेशनशिप, अ रिलेशनशिप रेफर्स टू एन एसोसिएशन और कनेक्शन बिटवीन 2 or more टेबल्स। When we relate 2 tables, we don't need to enter the same data in separate tables. तो इसमें हमारा ये बहुत टाइम सेव हो जाता है कि हमें सेम अगर हमने टेबल्स को आपस में एसोसिएट कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो सेम डेटा को हमें बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा। ये रिलेशनशिप कितने टाइप के हैं? 3 टाइप्स के हैं, 1-to-1, आपको भी बताया था मैंने क्वेश्चन में, 1-to-many और 1-to-1, देन 1-to-many। इसमें 1 mark each for all the parts ABCD के लिए। ओके, सो दैट्स द एंड ऑफ द पेपर। All the best.